मायावती के भाई आनंद कुमार के बाद आयकर विभाग ने रिटायर्ड अफसर नेतराम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नेतराम बीएसपी अध्यक्ष मायावती के करीबी माने जाते हैं, अलबत्ता सियासत भी तेज हो गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को झटका। रिटायर्ड आईएएस अफसर पर आईटी की कार्रवाई। भड़की बीएसपी अध्यक्ष मायावती। आईटी के निशाने पर नेतराम, छिड़ा सियासी संग्राम। बीएसपी के शासन में मायावती के करीबी अफसरों में गिने जाने वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर नेतराम पर जब आयकर ने शिकंजा कसना शुरू किया तो सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। आयकर विभाग ने नेतराम पर कार्रवाई करते हुए 230 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। इससे पहले आयकर विभाग ने नेतराम के दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के सचिव रहे नेतराम की लगभग 230 करोड़ की बेनामी संपत्ति को आयकर विभाग के द्वारा अटैच कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 19 अचल संपत्तियों को भी अटैच कर लिया गया है। ये 19 संपत्ति मुंबई, कलकत्ता और साथ ही जो नोएडा में है, कई ठिकानों पर छापेमारी का काम किया गया और आयकर विभाग के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती। रिटायर्ड आईएएस अफसर नेतराम 2003 से 2005 के बीच मुख्यमंत्री नहीं, मायावती के सचिव थे। इसके अलावा नेतराम उत्तर प्रदेश में आबकारी, गन्ना उद्योग विभाग, डाक एवं पंजीकरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के प्रमुख रह चुके हैं। लिहाजा अब जब नेतराम पर कार्रवाई हुई है तो माना जा रहा है कि जांच की आंच बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक पहुंच सकती है। लिहाजा जैसे ही नेतराम पर कार्रवाई हुई, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुई घटना के बहाने बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बताए कि गरीब, दलितों और पिछड़ों आदि के घरों में शौचालय की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। ये सच बहुत ही कड़वा है तो फिर खुले में शौच को मजबूर दलित युवकों की पीट पीट कर हत्या करने वालों को फांसी की सजा अवश्य दिलाई जानी चाहिए। दरअसल रिटायर्ड आईएएस अफसर नेतराम पर हुई कार्रवाई पर मायावती की नाराजगी के पीछे एक वजह ये भी है कि आयकर विभाग आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती के भाई की 400 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त कर चुका है। साथ ही जांच अभी भी जारी है। आरोप है कि मायावती के भाई अनंत कुमार की संपत्ति में 2007 से 2014 तक करीब 18,000% की वृद्धि हुई है। उनकी संपत्ति 7.1 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,300 करोड़ रुपए हो गई। 12 कंपनियां आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं, जिसमें अनंत कुमार निदेशक हैं। अलबत्ता अब जबकि नेतराम पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू किया है तो अध्यक्ष मायावती ने कार्रवाई के बहाने अपनी राजनीति को विस्तार देने में वे जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।